वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जो कि आप लोगों को बहुत ही दिमाग ख़राब करने वाली टॉपिक लगता होगा, लेकिन ऐसा करता ही नहीं है। अगर आपको कोई कहता है तो आप बातों को इग्नोर करें, क्योंकि मैं आ गया हूँ तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और इस तरीके से बताऊंगा कि एकदम पल्ले पड़ जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा, बैठ जाएगा, एकदम चिपक जाएगा। यार ये इतना बड़ा दिख रहा होगा देखने में, लेकिन इतना बड़ा है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, अपने आप सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो न समझ में आए। आज की इस वीडियो में बहुत तैयारी के साथ आया हूँ। चलो देखते हैं, पहला क्या है? प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग करने का प्रोसेस। इस प्रोसेस में सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना। कैसे भाई, कैसे, क्या, क्यों, क्या बोला आपने? हाँ, ऑब्जेक्टिव सेट करना सबसे पहला हमारा प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव सेट करना। ठीक, अब सुनो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते होंगे। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव्स बोला, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ना, एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, उसलिए बोला क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव ही बताते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव 95% मार्क्स लाना, तो इससे मैं ये चीज़ अचीव करना, मतलब ये मुझे बता रहा है कि मुझे क्या अचीव करना है, तो मुझे ये चीज़ अचीव करना है। ये मुझे बता रहा है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है। मेरे भाई, तुम्हारा 95% का टारगेट है, तो वो टारगेट ही बता रहा है कि तुम्हें उस टारगेट को अचीव करना है। 95% मार्क्स ही बता रहा है कि तुम इस मार्क्स को अचीव करना चाहते हो, तुम ये चाहते हो अचीव करना, ये यही बता रहा है। सो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, कि ऑब्जेक्टिव बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप प्लानिंग का सेटिंग ऑब्जेक्टिव है। प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप सेटिंग ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव सेट करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट करना ही बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब जो अचीव करना है उसी के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे, यानी कि प्लानिंग में सबसे पहला काम क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट करना, उसके बाद हम लोग उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? सर सबसे पहला स्टेप है हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है। दोबारा बोलो क्या है सर? ऑब्जेक्टिव सेट करना सबसे पहला स्टेप। इस तरीके से आप लिखेंगे, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना ना कुछ 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 ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। वो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। देयरफॉर फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जो पहला स्टेप है ऑब्जेक्ट जो है प्लानिंग में, वो होता है क्या, सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। ठीक, अब सुनो, सिर्फ इतने पे ही ख़त्म नहीं हो गया, ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया ताकि दिमाग में बैठ जाए। अब सुनो, हमने ऑब्जेक्टिव पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप तो कर लिया, उसके बाद सुनो क्या करना है, उसको सभी हर एक डिपार्टमेंट को बताना है, एंड स्टेटेड टू ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट को बताना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स को हमें बताना है कि देखो भाई, देखो हमारा इस साल का ये ऑब्जेक्टिव है, 20 करोड़ का सेल हमें लाना है, 20 करोड़ का सेल लाना है हमें, हमें ये करना है, हमें अपनी R&D टीम को और डेवलप करना है, हमें अपने प्रोडक्ट्स में और इंक्रीमेंट कर ली, और कुछ भी मान लो यार, प्रोडक्ट की वैराइटीज़ बढ़ानी है। ठीक है ना, प्रोडक्ट की वैराइटीज़ क्या करनी है, बढ़ानी है। ठीक, तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स लेकर हम आए हैं। ठीक, अब हर डिपार्टमेंट अपना अपना लेके चलेगा। अब हर डिपार्टमेंट को बताने से क्या मिलेगा हमें, कंपनी हर डिपार्टमेंट को क्यों बताएगी, अरे क्या मिलेगा डिपार्टमेंट को बताने से, तो डिपार्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव में अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। अब कैसे देगा कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या करेगा, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर ले, देखो भाई इस साल मैं जो हूँ ना, मैं 2 नए प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं इस साल क्या करूँगा, 22 करोड़ का अपना टारगेट रख रहा हूँ, 22 करोड़ कह रहा हूँ, तो 20 करोड़ करूँगा, सेल अपने आप 20 करोड़ आ जाएगा। तो हर एक एक लोग अपना अपना ऑब्जेक्टिव ले ले रहे हैं कि देखो भाई, देखो मैं 2 प्रोडक्ट बनाऊँगा नया नया, इन्होंने बोला देखो भाई, देखो मैं आपकी R&D को और एक्सपेंड करने में मदद करूँगा, और 2 प्रोडक्ट की डेवलपमेंट मैं भी करूँगा। ठीक, तो सब ने अपना अपना काम धंधा ले लिया कि मैं नमकीन में 2 नई वैरायटी ले आऊँगा, मैं शैम्पू में 2 नई वैरायटी ले आऊँगा, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम धंधा बहुत सारे हैं यार, इतना डीप ना हो तो आप सिंपल जानो कि हर एक डिपार्टमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, बता देंगे कि हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव है, और वो क्या करेंगे, वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करके क्या करेंगे, तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है, एंड स्टेटेड टू ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्टिव बताना है। ठीक, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, अब ब्रैकेट में मैंने लिखा है, या कुछ लिखना जरूरी नहीं है,
उसलिए मैंने समझने के लिए आपको लिख दिया, आप ये चीज़ नोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखना दीज डिपार्टमेंट, माफ करना, देन डिपार्टमेंट्स नीड टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंट क्या करना है, अपना खुद का ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको ब्रैकेट वाली चीज़ें नहीं लिखनी आपको, जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, ठीक। देन डिपार्टमेंट नीड्स टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, उसमें कंट्रीब्यूशन दे सके। अगर बड़े में लिखने को बोलता है तो आप पूरा लिखो, लेकिन छोटे में बोलता है लिखने के लिए तो ब्रैकेट वाला सामान हटा दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ब्रैकेट वाला हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो भी कंप्लीट ही माना जाएगा, ठीक है। हाँ अब सुनो, पहले बताओ मैंने क्या बोला। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव ही स्पेसिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। सो फर्स्ट स्टेप प्लानिंग में क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके बाद क्या करना है, स्टेट करना है, बताना है, स्टेट टू ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट को हमें ये चीज़ बताना है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सके और कंट्रीब्यूट कर सके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके, ठीक। उसके बाद क्या करना है, जो डिपार्टमेंट है वो परकुलेट करेगा, परकुलेट का मतलब कम्युनिकेट करेगा, इस चीज़ को कम्युनिकेट कराएगा अपने नीचे जो इम्प्लॉइज हैं, इम्प्लॉइज के लेवल पर, इम्प्लॉइज को, हर एक लेवल के इम्प्लॉइज को क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव को कम्युनिकेट कराएगा, परकुलेट कराएगा। परकुलेट ज़्यादा सही वर्ड है, आप परकुलेट लिखना, परकुलेट का मतलब कम्युनिकेट ही होता है, लेकिन आप परकुलेट लिखना, ये आप बिजनेस स्टडीज़ के टर्म में लिख रहे हैं परकुलेट, ठीक। परकुलेट लिखना, ठीक, परकुलेट कराना है। फिर क्या करना है, देन दीज ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी परकुलेटेड। परकुलेटेड का मतलब कि कम्युनिकेट कराना है, उन तक पहुँचाना है, ये कम्युनिकेट, परकुलेट डाउन टू ऑल एम्प्लॉयज। परकुलेट डाउन टू ऑल एम्प्लॉयज का मतलब है कि हर एम्प्लॉयज़ को बताना है, हर लेवल के एम्प्लॉयज़ को बताना है, बस इतना ही है। ये सेटिंग ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की मैंने आपको, बहुत ही मैंने डिस्क्राइब कर दिया यार, 6 मिनट लगा दिए, 7 मिनट लगा दिए यार, बहुत लगा दिया इसमें। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपिंग प्रीमाइसिस का मतलब होता है एजम्पशंस। प्रीमाइसिस जो हमारा बिजनेस स्टडीज का टर्म है, इस बिजनेस स्टडीज के टर्म को ही आपको यूज़ करना है। प्रीमाइसिस का मतलब होता है एजम्पशंस, इसको हम नॉर्मल इंग्लिश के टर्म में कॉन्जेक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जेक्चर। एजम्पशंस को नॉर्मल इंग्लिश टर्म में बोले तो कॉन्जेक्चर बोलते हैं, ठीक। एजम्पशन का थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड कॉन्जेक्चर है, ठीक। तो ध्यान से सुनना, प्लानिंग जो है कंसर्न है फ्यूचर से। प्लानिंग इज कंसर्न विद व्हाट, फ्यूचर। और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन, फ्यूचर निश्चित है क्या, नहीं, फ्यूचर तुम्हारा अनिश्चित है, पता नहीं कब क्या हो जाए। फ्यूचर तुमने देखा है क्या, नहीं सर, फ्यूचर अनिश्चित है, फ्यूचर हमारा अनिश्चित है, ठीक। फ्यूचर तुमने नहीं देख रखा, ठीक। तो हर एक प्लानर जो है वो कंजेक्चर यूज़ करता है। कंजेक्चर क्या, कंजेक्चर का मतलब एजम्पशंस, कि भाई देखो फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में बिल गेट्स नई मशीन लेकर आएंगे, फ्यूचर में ये नई टेक्नोलॉजी आएगी, फ्यूचर में ये आएगा, फ्यूचर में वो आएगा, ठीक, फ्यूचर में हमारे इतने कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। तो ये जो एजम्पशंस हम लोग लेकर चलते हैं, इन्हीं एजम्पशंस को कंजेक्चर बोला गया है। यानी कि जो प्लानर है, जो प्लान करता है, प्लानर उसको बोला गया जो प्लान करते हैं, ठीक। तो जो प्लानर है ना वो कंजेक्चर यूज़ करता है, यानी एजम्पशंस को यूज़ करता है अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो भी होगा उसके बारे में हम लोग कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं कि देखो भाई फ्यूचर में जो भी होगा उसमें से ये चीज़ तो होना ही होना है। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि फ्यूचर में ये हमारे कंप्यूटर आएंगे, यानी ये होगा ही होगा कि 4 नए कंप्यूटर आएंगे, ये होना ही होना है, ठीक। तो ऐसे हम लोग एजम्पशंस को ही बोला गया क्या, कंजेक्चर। यानी कि प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर और फ्यूचर इज अनसर्टेन, इतनी लाइन आप लिख लोगे, प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, विच इज अनसर्टेन। सो एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजेक्चर, हर एक प्लानर कंजेक्चर यूज कर रहा है अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसके लिए वो कंजेक्चर यूज कर रहा है। कंजेक्चर का मतलब एजम्पशंस यूज कर रहा है कि देखो भाई फ्यूचर में ये होगा, हमारे इतने कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। तो हमने क्या यूज किया, हमने कंजेक्चर यूज किया, हमने एजम्पशंस को यूज किया, उसने बोला क्या यहाँ पर कंजेक्चर यूज किया, ठीक है। अब सुनो द मैनेजर, अब जो है अब हम लोग आ रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड में, कि जो मैनेजर है, मैनेजर को भी रिक्वायर्ड है कि भाई वो भी कुछ एजम्पशंस बनाए फ्यूचर के बारे में, कि फ्यूचर में हमारे कॉम्पिटिटिव आने वाले। देखो मैंने कॉम्पिटिटर वाला एग्जांपल आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर मुझे नॉर्मल एग्जांपल लेने वाले थे, नॉर्मल डे के, कि देखो हम लोग पहले से ही एज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा कल बारिश होगी, कल पिकनिक पर जाएंगे तो वहाँ बारिश होगी, तो ये एजम्पशन है, ये नॉर्मल डे का एजम्पशन है, ठीक। कोई प्लानर आप कर रहे हो कि भाई ट्रिप पर जाना है, तो आपने प्लान कर लिया,
लेकिन आपने एजम्पशन एक बनाया कि देखो भाई कल बारिश होगी, तो इसी चीज़ से हमने ना यही चीज़ हम लोग डिराइव करके बिजनेस से भी लाते हैं, इसी चीज़ को पकड़ के हम बिजनेस में लाएंगे और बोलेंगे कि भाई देखो हर एक मैनेजर को द मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड, हर एक मैनेजर को ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा एजम्पशंस बनाए, अपना कुछ एजम्पशन बनाए फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में हमारे कॉम्पिटिटर आएंगे, ठीक। और यही एजम्पशंस को बोला गया है प्रीमाइसिस, एंड दीज एजम्पशंस आर नोन एज प्रीमाइसिस। बस इतना ही तो लिखना है कहानी यार। प्लानिंग इज कंसर्न विद व्हाट फ्यूचर, फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजेक्चर, हर एक प्लानर कंजेक्चर यूज करता है। कंजेक्चर मतलब क्या, एजम्पशंस अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में वो कंजेक्चर यूज करता है, ठीक। तो मैनेजर को भी हमारे बिजनेस वर्ल्ड में जो मैनेजर्स हैं उनको भी रिक्वायर्ड है कि वो भी सर्टेन एजम्पशंस बनाए फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फ्यूचर में वो हो जाएगा, फ्यूचर में ये हो जाएगा, ठीक। और यही एजम्पशंस जो है ना इनको, इन्हीं एजम्पशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमाइसिस, ठीक। अब ये जो प्रीमाइसिस है ये बेस मटेरियल है जिसके ऊपर हम लोग प्लान को ड्रॉ करते हैं, इन्हीं के बेसिस पर हम लोग प्लान को ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि फ्यूचर में उड़ने वाली कार आएगी, तो इसी के बेसिस हमने अपना प्लानिंग बनाया कि देखो भाई देखो हमें अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम सेटअप करनी है जो कि उड़ने वाली कार पर अब से वर्क करना चालू कर देगा, हमें अपनी नई फैक्ट्री सेटअप करनी है जो कि उड़ने वाली कार के लिए बनाई जाएगी, ठीक। तो हमने ये जो प्लान बनाया ये किसके बेसिस पर बनाया, जो हमारा एजम्पशन था, हमारा एजम्पशन क्या था सर, उड़ने वाली कार। अब उड़ने वाली कार के ही बेसिस पर हमने बोल दिया ना कि देखो भाई देखो हमारा एक फैक्ट्री बनेगा, हमारा R&D टीम बनेगा, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हमने किसके बेसिस बना दी, तो इसी एजम्पशन के बेसिस पर हमने बताया ये सब चीज़। तो इन्हीं एजम्पशन को बोला गया है बेस मटेरियल जिसके ऊपर हम लोग प्लान को बनाते हैं, ये बेस है जिसके ऊपर हम लोग प्लान को ड्रॉ करते हैं, इसी के ऊपर प्लान बनता है, इसी के बेसिस पर प्लान बनता है। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, फोरकास्टिंग वर्ड आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ये फोरकास्टिंग क्या होता है तो ध्यान से सुनना, फोरकास्टिंग जो होता है ये टेक्निक होता है इन्फॉर्मेशन को गदर करने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेवलपिंग प्रीमाइसिस को डेवलप करने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रीमाइसिस हम लोग कैसे डेवलप करते हैं सर, इन्फॉर्मेशन गदर करके, अच्छा वो लोग वर्क कर रहे हैं उड़ने वाली कार पर, वो भी वर्क कर रहे हैं, अच्छा अच्छा बहुत सही बताया भाई तुमने, इससे हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन गदर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो ये टेक्निक है फोरकास्टिंग का, ये टेक्निक है इन्फॉर्मेशन गदर करने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीमाइसिस को डेवलप करने में। अच्छा सब कोई उस पर वर्क कर रहा है उड़ने वाली कार पर, चलो हम भी वर्क करेंगे, हमने भी एज्यूम कर लिया कि फ्यूचर में उड़ने वाली कार आ जाएगी। देखो ना देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीमाइसिस को डेवलप करने के लिए, हमने बस सुना कि लोग वर्क कर रहे हैं, हमने ये एज्यूम कर लिया कि भाई फ्यूचर में कार आ गई, और इसी के बेसिस हमने क्या कर लिया, अपना प्लान बना लिया। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर, फोरकास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक टेक्निक है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपिंग प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस को डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करके ही डेवलप करते हैं प्रीमाइसिस। तो देखो अब आ गया हमारा तीसरा स्टेप, हमने एक बार अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हमें क्या अचीव करना है, उसके बाद हमने ये एजम्पशन बना लिया भाई, हमने प्रीमाइसिस डेवलप कर लिए कि हाँ फ्यूचर में उड़ने वाली कार आएगी, ठीक। अरे लेट अस सपोज, ठीक। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, आइडेंटिफाई करना वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, अल्टरनेटिव मतलब अलग अलग, कोर्सेज ऑफ एक्शन मतलब अलग अलग तरीके, कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब होता है तरीके, कौन कौन से वो अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई करना वेरियस मतलब बहुत सारे, अल्टरनेटिव का मतलब अलग अलग, कोर्सेस ऑफ एक्शन मतलब तरीका, आइडेंटिफाई करना बहुत सारे अलग अलग तरीके जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। जैसे कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया कि देखो मैं 20% सेल को इंक्रीज करना है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव 20% इंक्रीज करने का है, इसको इंक्रीज करने का बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं बोलूं तो भाई हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हम डिस्काउंट दे सकते हैं, हम प्राइस कम कर सकते हैं, हम कोई स्कीम लगा सकते हैं, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। इनमें से कौन से अल्टरनेटिव, इनमें इन सभी अल्टरनेटिव को हमें फाइंड आउट करना ही हमारा तीसरा स्टेप है, ये फाइंड आउट करना ही हमारा तीसरा स्टेप है, आइडेंटिफाई करना बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को जिससे हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, यही हमारा तीसरा स्टेप है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। दोबारा पढ़ो, वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, एजम्पशंस आर मेड, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीके खोजेंगे, ये बस इस स्टेप में बस तरीके को खोजना है,
देखो हमारा इससे भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है, इससे भी अचीव हो सकता है, इससे भी अचीव हो सकता है, इससे भी अचीव हो सकता है, लेकिन हमें बस यहाँ क्या करना है, बस खोजना है बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला हो गया इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब जो हमने अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन खोज निकाले हैं ना, उसको हमने यहाँ पर उसके उसको हमें क्या करना है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ना इवेल्युएट करना है, उसके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट को इवेल्युएट करना है इस स्टेप में। ठीक, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन ये हमारा चौथा स्टेप है। इस स्टेप में हमें क्या करना है, इस स्टेप में हमें द दिस नेक्स्ट स्टेप इस स्टेप में हमें क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू वेट द प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। हर एक अल्टरनेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो एस्पेक्ट्स हैं, इन दोनों एस्पेक्ट्स को हमें क्या करना है, नापना है, नाप जोक करना है, नाप तौल करना है। ठीक है, यहाँ पर नापना है, ठीक, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को। ठीक, तो चाहे तो आप पहले लिखो या ना लिखो, लेकिन लिख देना सुंदर रहेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वेट द प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। उसके बाद मेन यहाँ चालू होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव नीड टू बी इवेल्युएटेड। उनको हमें इवेल्युएट करना है, लेकिन किस चीज़ के लाइट में, लाइट का मतलब किस चीज़ के प्रकाश में, किस चीज़ के ध्यान में रखते हुए। तो भाई हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन सभी चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक, इवेल्युएट करना है किस बात को ध्यान में रखते हुए, तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। ठीक, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसको हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ताकि हम लोग उसे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ताकि हम उसकी फिजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस को पता कर सके। फिजिबिलिटी क्या होती है और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ध्यान सुनना। फिजिबिलिटी का मतलब होता है उसके होने की संभावना, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है उसका इफेक्ट, उसका परिणाम क्या दिखाई दिया हमें, उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। ठीक, ये चीज़ें हमें पता करनी है, उसको इवेल्युएट कर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स, इन दोनों चीज़ को हमें इवेल्युएट करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों को इवेल्युएट करके हमें क्या डिटरमाइन करना है, उसकी फिजिबिलिटी कैसी है, होने की संभावना भाई 90% है, 80% कितना परसेंट है संभावना होने की, उसका इफेक्ट कैसा पड़ रहा है। भाई देखो 10% पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, 90% हमारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, तो हमारा उसका इफेक्ट कैसा, इसका परिणाम कैसे पड़ रहा है, इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव का मतलब कि ऑब्जेक्टिव को नज़र में रखते हुए हमें ये चीज़ चेक करना है कि भाई जो हम लोग देख रहे हैं फिजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस, क्या इससे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा। देखो यार 10% हमारे होने की संभावना, पॉजिटिव इफेक्ट 10% है, होने की संभावना 90% है, चलो मान लेते हैं 20% है, नहीं 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 इससे हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पाएगा, क्योंकि पहली बार इसका पॉजिटिव इफेक्ट 10% है और दूसरी बात इसकी होने की संभावना भी 20% है, तो ये बहुत ही बेकार है, इससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होना अच्छा से अचीव नहीं हो पाएगा, इसको कैंसिल करो भाई। दूसरे के अलावा दूसरे को हम लोग चेक करते हैं। ठीक, तो दूसरे के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को हम लोग इवेलुएट करेंगे और क्या निकालेंगे, तो फिजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस को पता करेंगे इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, इन द लाइट ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। किसके लाइट में, किस बात को ध्यान में रखते हुए, तो हमारा हर एक ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके फिजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस हम लोग निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इस तरीके से हमें इवेल्युएट करना है ताकि उसकी फिजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस पता चले। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, ये सोच के हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक, वही हम चेक करेंगे ना कि क्या हमारा उससे ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं। तो वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एफेक्ट्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव नीड टू बी इवेल्युएटेड टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंस, उसकी फिजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए इन द लाइट ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसकी फिजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उसकी फिजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे। ठीक, अब सुनो, सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, ये रियल पॉइंट डिसीजन मेकिंग करने का, जहाँ सिलेक्शन की बात आ गई वहाँ समझना वो रियल पॉइंट डिसीजन मेकिंग करने का। यहाँ पर बेस्ट प्लान को हम लोग अडॉप्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्या करते हैं, बेस्ट प्लान को अडॉप्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट कर देते हैं इस स्टेप पर।
बस यही बात है। अब यहाँ पर बस कहने के लिए इंप्लीमेंट करते हैं, एक्चुअली में इंप्लीमेंट नहीं करते, बस कहने के लिए हम लोग इंप्लीमेंट कर दिए, भाई देखो प्लान लागू हो गया। अब मैंने बोला कि बिल्डिंग बनानी है, लो भाई लो इसकी हमारे जो प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट लागू हो गया, तो क्या बनना तुरंत चालू हो जाएगा? नहीं, तुरंत बनना नहीं चालू होता, ठीक। कुछ दिन बाद मजदूर आएंगे, वो बनाना चालू करेंगे, तो बस कहने के लिए हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई भी काम अभी नहीं होता है, ठीक। काम बाद में होगा, ठीक, वो अगले स्टेप में होगा। ये हमारा रियल डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। यहाँ पर क्या होता है, बेस्ट प्लान को अडॉप्ट करते हैं और उनको इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक। एक आइडियल प्लान क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है आइडियल प्लान क्या होता है। एक आइडियल प्लान ऐसा प्लान होता है जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल होता है, मोस्ट फिजिबल होता है, फिजिबल होता है जिसकी होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक, और लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जिसके कम होते हैं। मैंने यहाँ बताया था ना फिजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस, हाँ, हर एक एक अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव वही हमारा प्लान है, उस प्लान को हम लोग फिजिबिलिटी और अल्टरनेटिव को चेक करते हैं। तो अच्छा प्लान वही है जिसका होने की संभावना ज़्यादा है और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, नेगेटिव इफेक्ट जिसके कम है, ठीक, वही हमारा सबसे आइडियल प्लान माना जाएगा, बेस्ट प्लान माना जाएगा, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल भी होगा। तो यह प्लान की डेफिनेशन लिख लें, एक आइडियल प्लान की डेफिनेशन जो कि पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी लिख लें। और ये वाली टॉपिक थोड़ी सी अटपटी है, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, समझ में आई तो अच्छी बात, दोबारा बता देता हूँ, हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए उसकी फिजिबिलिटी, हमें किस बात को ध्यान में रखते हुए करना है, ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसकी फिजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे, ठीक। जो हमें उससे कॉन्सिक्वेंस और फिजिबिलिटी जो लोग डिटरमाइन कर रहे हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट से, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए डिटरमाइन करेंगे कि क्या भाई हमारा उससे ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है क्या, हाँ, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, हो रहा है तो हम लोग उसको नेक्स्ट स्टेप में सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हो रहा होगा तो उसको नेक्स्ट स्टेप हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आपको इतना डीप नहीं जानना, ज़्यादा डीप नहीं जानना, आपको बस ऊपर ऊपर ही जानना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डीप ले चला गया, आप इतना जानेंगे इतना बहुत है मेरे दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले वाले स्टेप पर, लेकिन आप इतना जानेंगे इतना बहुत है, सफिशियंट, आप इतनी लाइन समझ गए ना, लाइन लिख दो बहुत है, ठीक है। हाँ तो भाई देखो, हमारा अगला आ गया सिक्स, छठा स्टेप है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। इस स्टेप में क्या होता है, हम लोग एक्चुअली में ना ये स्टेप कंसर्न है पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। प्लान को हम लोग क्या करते हैं, इस वक्त हम लोग प्लान को एक्शन में लेकर आते हैं। प्लान को क्या करते हैं सर, एक्शन में लेकर आते हैं, पुट करते हैं इसको एक्शन में और वो काम करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है। दोबारा बोलो मेरे साथ, इट इज़ कंसर्न विद व्हाट, इट इज़ कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। इसमें क्या होता है, प्लान को हम लोग एक्शन में लाते हैं और वो काम करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, वो काम करते हैं जो कि इसमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक। अब मेरी भान को ध्यान से सुनो यार मेरे दोस्तों, ये तो 30 सेकंड में ही खत्म हो गया, एक बार और बोलो, वरना आप 30 सेकंड में कोई चीज़ पढ़ के भूल जाओगे। आप थोड़ा और टाइम दो, और जरा बोलो मेरे साथ, क्या है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। इंप्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब क्या है, इंप्लीमेंटिंग द प्लान जो है ना ये कंसर्न है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये कंसर्न है विद पुटिंग द प्लान, प्लान को पुट करना, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, एक्शन में लेकर आते हैं भाई, वो करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है। एक्शन का मतलब डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, वो काम करना जो कि रिक्वायर्ड होता है, बस खत्म, ठीक, इतना बहुत है, सफिशियंट। फॉलो अप एक्शन का मतलब सिंपल से बोलूं तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं अपने प्लान को कि क्या प्लान उसी हिसाब से चल रहा है जैसा हमने शेड्यूल किया था या नहीं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, प्लान को मॉनिटर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द प्लान एंड इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल और नॉट। यानी जैसा हमने शेड्यूल किया था कि भाई देखो 800,000 रुपये हमारा सेल हो जाना चाहिए था इस महीने, तो क्या हमारा 800,000 सेल हो पाया है या नहीं, पता चला कि भाई सिर्फ 6,00,000 हुए हैं, ठीक। तो ये क्या, ये तो हमारा शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा प्लान, यानी कि गड़बड़ी है। 2,00,000 का डेविएशन, 2,00,000 का डिफरेंस, इस डेविएशन को ख़त्म करने के लिए हमें इमीडिएट एक्शन लेना होगा, ये पॉइंट आपको इसमें लिखना है। इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द प्लान एंड इंश्योरिंग दैट एक्टिविटी, हमें ये इंश्योर करना है कि एक्टिविटीज़ जो है ना वो परफॉर्म हो रही है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ये चीज़ हमें इंश्योर करना है इस पॉइंट में। इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द प्लान एंड इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू शेड्यूल और नॉट, क्या एक्टिविटीज हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रही हैं या नहीं, ये चीज हमें इंश्योर करना है, ठीक। और whenever there is deviation from plan, जब भी deviation होगा हमारे प्लान से, हमने प्लान किया था 800,000 का प्लान, हमने एक्चुअल में सिर्फ 6,00,000 रुपये हमने सेल किया है, तो प्लान से deviation है, एक्चुअल रिजल्ट हमारा प्लान से बहुत दूर है, 2,00,000 दूर है, तो इमीडिएट एक्शन लेना होगा ताकि हम लोग प्लान को ट्रैक पर ला सकें, ट्रैक पर चला सकें, भाई प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रैक पर चल सकें, इसका सिंपल सा मतलब है,
ठीक, वन एवर देर आर डाइवर्शन फ्रॉम प्लान इमीडिएट एक्शन हैज टू बीन टेकन टू ब्रिंग द प्लान ऑन ट्रैक। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर देना, और सारे जो मैंने डिफिनेशन जो भी पॉइंट्स लिखवाए आप वो पॉइंट जरूर लिख लेना, और अगर आपको कोई भी कमी लगती है वीडियो में तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, आप नीचे कमेंट में आप बताइए, ताकि मैं उस वीडियो पर इन वीडियो से सुधार कर सकूं और वीडियो को मैं दोबारा बना सकूं। अगर कोई कमी है तो आप बताइए, मैं उस कमी पर वर्क करूंगा।